वर्ल्ड यूनानी डे के मौका पर केएफ मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से हकीम अजमल खां का 154वीं योम पैदाइश की तकरीब का अहतमाम किया गया। अलीपुर में वाका नेशनल लाइब्रेरी में केएफ मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से हकीम अजमल खान की योम पैदाइश के मौका पर एक अवार्ड फंक्शन और दीगर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें 500 से ज़ायद यूनानी डॉक्टरों और हकीमों ने हिस्सा लिया। मेहमान खसूसी के तौर पर रजा मुराद के अलावा रियासती वजीर अकलियती अमूर व मदरसा तालीम मोहम्मद गुलाम रम्बानी साहब, राज्यसभा के साबिक एमपी और स्टेट काउंसिल ऑफ यूनानी मेडिसिन के एग्जीक्यूटिव मेंबर अहमद हसन इमरान, डॉक्टर एम ए कासिम के नाम काबिल जिक्र है। इस मौका पर सभी मेहमानों ने अपनी तकरीर में यूनानी तिब की अफादियत को आम करने पर जोर दिया। मोहलिक बीमारियों में मुब्तला मरीज भी बिला खौफ व ख़तर यूनानी तिब का सहारा ले सकते हैं। रजा मुराद ने कहा कि एक बार मुझे एक ऐसे मर्ज की शिकायत लाहक हो गई थी जिसका इलाज अंग्रेज़ी दवाओं से मुमकिन ना था, तो उन्होंने मुंबई में शमीम नामी एक हकीम यानी डॉक्टर से मुलाकात की, जिन्होंने रजा मुराद को ये मशवरा दिया कि यूनानी दवा का इस्तेमाल करें, और मैंने ऐसा ही किया और अब बिल्कुल सेहतयाब हूँ। अहमद हसन इमरान ने कहा कि यूनानी मेडिसिन के फ़ायदे काफ़ी हैं, हमें उसके इस्तेमाल के साथ साथ उसको फ़रोग देने की भी ज़रूरत है। रियासती वजीर ने कहा कि हम जब अलीगढ़ में पढ़ते थे तो हकीम अजमल खां साहब की पैदाइश जोश व खरोश से मनाते थे। मुझे खुशी हो रही है कि कोलकाता में ऐसे प्रोग्राम का अहतमाम हुआ है। डॉक्टर इम्तियाज़ हसन जिलानी, जनाब फरहान हसन, जेड फर्मा की कोशिशों काविशों से आज का तारीखी प्रोग्राम कामयाबी से हमकनार रहा। इस मौका पर इंतखाब आलम नेचुरोवेदा और तसव्वुर नजमी वगैरह मौजूद थे। इस सिलसिले में हमारी गुफ्तगू रजा मुराद, रियासती वजीर गुलाम रब्बानी और दीगर शुरका से हुई। आइए सुनते हैं उन लोगों का इस प्रोग्राम और दीगर अमूर पर क्या कहना है। ये आज के जो फंक्शन है यहाँ, उसके बारे में थोड़ा बताइए। और एक जो बड़ा मामला चल रहा पूरे हिंदुस्तान में, यहाँ माइंटी जो है बहुत परेशान हाल में है, जो केंद्र में जो सरकार है उससे भी परेशान है, और अभी हिजाब का मामला चल रहा है, ये कुल मिला के बताइए। लोग परेशान हैं, और अगर मैं कुछ कहूँगा तो मैं भी परेशान हो जाऊँगा। तो बेहतर होगा कि इस मसले पे गुफ्तगू ना की जाए। हालात क्या चल रहे हैं आप सब बखूबी वाकिफ हैं, तो एक खामोशी जो है वो हजार शोर पर भारी होती है। खामोश रहना ही बेहतर होगा। और अभी सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, और भी इम्तिहान आने वाले हैं, तो जो भी होगा, जो ऊपर वाले को मंजूर होगा वो हो जाएगा। ये यूनानी का जो प्रोग्राम हो रहा है, क्या हिंदुस्तान में इसको बढ़ावा मिलना चाहिए कि बंगाल में बढ़ावा? बिल्कुल मिलना चाहिए। जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया कि कुछ मुझे मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे, और अच्छे अच्छे मैंने एलोपैथिक डॉक्टर्स से इलाज करवाया, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। और एक एलोपैथिक डॉक्टर ने ही सजेस्ट किया कि आपको फायदा नहीं हो रहा है तो आप यूनानी दवाएं लें, आप तजर्बा करें आप। और जो यूनानी दवाएं मैंने ली तो मुझे फौरी तौर पे उससे फ़ायदा हुआ, और अभी भी मैं बाकायदगी से ले रहा हूँ। देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि जो एलोपैथिक की जो दवाएं होती हैं उसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, उसका रिएक्शन होता है, लेकिन यूनानी दवाओं का कोई आफ्टर इफेक्ट नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है, क्योंकि जो भी दवाएं हैं वो बिल्कुल जड़ी बूटियों से बनी होती हैं, नेचुरल होती हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा मुझे तजुर्बा रहा है यूनानी दवाओं का। और कोई भी आप यूनानी दवा ले लें, अक्सर ये होता है कि लोग वेट कम करने के लिए कुछ एलोपैथिक की दवाएं खाते हैं,
जिससे जिसका बहुत बुरा आफ्टर इफेक्ट होता है। लेकिन जब वेट कम करने की आप यूनानी दवाएं लेते हैं तो वजन भी कम होता है और कोई उसका आफ्टर इफेक्ट भी नहीं होता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जो लोग मायूस हो गए हैं, जिन्हें कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है, जिन्हें कोई रिलीफ नहीं मिल रही है, तो वो यकीनन यूनानी दवाओं का इस्तेमाल करें और मैं यकीन के साथ कहता हूं कि उन्हें फायदा होगा। और स्टेज पर रहते हुए एक कंट्रोवर्सी हो गया, इंतजार साहब ने इस्तीफा दिया, फिर लोगों ने मनाया, तो वो कैसे लगा? देखिए, अक्सर ये होता है कि लोग इस्तीफा देने को तैयार नहीं होते हैं और उन्हें दरवाजा दिखा दिया जाता है। यहाँ उल्टा हुआ है, यहाँ उल्टा हुआ है कि वो इस्तीफा देने को तैयार हैं और कोई भी उनका इस्तीफा मंजूर करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैंने यही कहा है कि आवाज़ खल को नकारा है खुदा समझे, ये बिल्कुल बात सही है। ये लोगों की राय है उनके बारे में, लोगों का प्यार है, लोगों का खुलूस है, लोगों का भरोसा है जो उन्हें इस्तीफा देने पे बिल्कुल राजी नहीं हो पा रहे हैं, लोग ना मंजूर कर रहे हैं उनका इस्तीफा। अभी जैसे हिंदुस्तान में जो हालात चल रहे हैं उस हिसाब से ये आप ये कि जिस तरीके से मनाया जा रहा है, इसको किस तरीके से देखते हैं कि कैसा होगा? देखिए, ऐसा है भाई, ऐसा है, देखिए ऐसा है कि डॉक्टर या दवा जो है ना, तो डॉक्टर इलाज करते वक्त किसी का मदद पूछता है और ना ही दवा जो है वो अपना काम जब दिखाती है वो किसी का मदद नहीं पूछती है, दवा भी नहीं पूछती है। उसका काम जो है मर्ज को ख़त्म करना है, जड़ से ख़त्म करना है। तो यही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए कि मदब मिल्लत से बुलंद होकर आपको अपने फ़राइद अंजाम देने हैं। डॉक्टर हर मदहब से ताल्लुक़ रखने वालों का इलाज करता है, उन्हें शिफा बख्शता है। इसी तरीके से जब आप दवा खाते हैं तो दवा भी जो है शिफा देने से पहले आपका मदहब नहीं पूछती। ये इंतजार साहब, आज आपने इस्तीफ़ा दे दिया, इस्तीफ़ा किस वजह से दिया? देखिए, ये हम 1984 में 10 दिसंबर ऑफ 1984 में हमने ज्वाइन किया था स्टेट काउंसिल ऑफ यूनानी मेडिसिन एज ए अकाउंटेंट कम कैशियर। उस वक्त मेरा भी मेरा क्वालिफिकेशन था बीकॉम एंड एलेवन, और माशाल्लाह आप लोगों की दुआ से बहुत ही इम्प्रेशन के साथ, बहुत ही जुस्तजू के साथ हमने यूनानी काउंसिल में काम किया। इसको मद्देनज़र रखते हुए 2010 में हमको प्रमोशन मिल गया कि आप 2010 दिसंबर में प्रमोशन मिला कि आप रजिस्ट्रार बने एक्स्ट्रा एडिशनल चार्ज के, तो हमें रजिस्ट्रार बना दिया गया। और उस दिन से आज तक हमने यूनानी की खिदमत करते ही रहे हैं। हमारा पहले ऑफिस होता हुआ करता था 79 बी चित्रंजन एवेन्यू, जो कि बहुत ही ख़राब हालत की बिल्डिंग थी वो, और वहाँ पर हम लोगों ने उसको यूनानी काउंसिल को चलाया। फिर हमने गवर्नमेंट से दरख्वास्त किया कि भाई हम लोगों को कोई अच्छी जगह दीजिए, तो उन लोगों ने हम लोगों को फिर सियालदह में एक है आपका होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल है, उन्हें वहाँ पर हम लोगों को जगह दिया गया। वो भी हम लोगों के टेम्परेरी था, लेकिन आज माशाल्लाह से हम जितने मेम्बर्स हैं, हमारे निज़ाम साहब हैं वाइस प्रेसिडेंट, हमारे हकीम मंजर सादिक साहब हैं, हमारे ऐसे डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर श्याम सुंदर कुंडू, इन लोगों की खिदमत से, इन लोगों की जद्दोजहद से हम लोगों ने अप्लाई किया गवर्नमेंट को, हम लोगों ने कोशिश की। आज माशाल्लाह से हमारा यूनानी काउंसिल पुरतो भवन में 3rd floor, room number 317 में है, जहाँ पर हर काउंसिल का ऑफिस है। वहाँ पर यूनानी का नहीं सिर्फ, वहाँ पर आयुर्वेदिक काउंसिल भी है, वहाँ पर नर्सिंग काउंसिल भी है, वहाँ पर डेंटल भी है, वहाँ पर फार्मेसिस्ट है, वहाँ पर योगा नेचुरोपैथी काउंसिल है, यानी कि सब काउंसिल एक जगह आ गया, सिर्फ होम्योपैथी और एलोपैथी को छोड़कर, चूँकि उन लोगों का अपना अपना बिल्डिंग है। आपने इस्तीफा दिया, आपने इस्तीफा क्यों देने का सोचा? इस्तीफा इसलिए दिया है कि मैं बहुत बीमार रहता हूँ। अच्छा, अभी अभी कुछ दो महीना पहले जो है हमको ब्रेन स्ट्रोक भी हो चुका था, और हमारा ओपन हार्ट सर्जरी भी किया हुआ है,
इंसुलिन के डिपेंडेंट पेशेंट हैं, इसलिए हम चाह रहे हैं कि और ज़्यादा ये नहीं करते हुए, काम नहीं करते हुए हम अपना इस्तीफा लें। जैसे कि यहाँ स्टूडेंट लोगों ने सभी आप बोल रहे थे कि नहीं देने के, तो आपने क्या, आपने क्या इरादा बनाया? फिर बस सिर्फ स्टूडेंट ने नहीं, हमारे वाइस चेयरमैन हमारे मेम्बर साहब ने कहा कि आपको इस्तीफ़ा नहीं देना है, हम आपके साथ में हैं, तो इंशाल्लाह हम इन लोगों के साथ ही रहेंगे, अभी हम अपना इस्तीफ़ा हम वापस ले रहे हैं। आज का प्रोग्राम बड़े में कुछ बड़ी है ना, आज प्रोग्राम को बड़े में आज का ये प्रोग्राम जो है 154th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हकीम अजमल खान, आज जिसके वजह से हिंदुस्तान में यूनानी जिंदा है, वो वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द यूनानी तिब्बिया कॉलेज करोलबाग, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रह चुके थे, वो खिलाफत कमेटी के भी प्रेसिडेंट रह चुके थे, गलत हो तो बताइएगा, वो साथ साथ हिंदू महासभा के भी मेंबर थे, हर जगह वहाँ वो जाते थे, यूनानी के लिए उन्होंने बहुत ही खिदमत किया, आज यूनानी की जो हिंदुस्तान में जो तरक्की हुई है तो उनकी वजह से है, तो हम लोगों को भी ये चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि उनके जन्मदिन के प्रोग्राम आप लोग अच्छी तरह से कीजिए, अच्छी तरह से खराज अकीदत पेश कीजिए, तो हम लोग उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए पूरी कोशिश करता हूँ कि उनको अच्छी तरह से खराज अकीदत पेश करें, लिहाजा हर साल हम लोग जो है उनका जन्मदिन हम लोग मनाते हैं और इंशाल्लाह मनाते रहेंगे। अवार्ड वगैरह भी आज दिया गया, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी आज ये हमारे सबसे इम्पोर्टेंट अवार्ड जो था हमारे डॉक्टर निजामुद्दीन साहब जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं काउंसिल के, स्टेट काउंसिल ऑफ यूनाइटेड मिटीज के, उनकी खिदमत को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया था कि उनको एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देना होगा, तो आज उनको हम लोग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, हमें तो उनके लिए कुछ भी नहीं है, मामूली चीज़ है, लेकिन हमने उनको एक अवार्ड दिया। उसके साथ ही साथ हम एक अवार्ड दिए हमारे हकीम मंजर सादिक साहब, इनके जो फादर थे हकीम मोहम्मद शरफुद्दीन कादरी साहब मरहूम, वो पद्म भूषण अवार्डी थे, गवर्नमेंट ने उनको अवार्ड से इस्तेफादा किया और वो करीब कब इंतकाल हुआ उनका? 28 दिसंबर 2015 को इंतकाल हुआ। रब्बानी साहब, गुलाम रब्बानी साहब जो मिनिस्टर थे, उनसे हम लोगों की बात हुई, उन्होंने कहा कि अगर ये लोग हमसे रब्ता करें तो सरकार के तरफ से जो काम होगा हम लोग करें, तो आप लोग क्या रब्ता करेंगे? जी ज़रूर करेंगे।